सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी एंड बियॉन्ड विद नेहा। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ माई फेवरेट ड्राई फ्रूट लड्डू रेसिपी। यस, और ये लड्डू मैंने बहुत सारी जगह पर खाए हैं। मैं बहुत टाइम से अपने मम्मा को बोल रही थी कि मम्मा मुझे इसका रेसिपी बता। सो यस गाइज, दिस ड्राई फ्रूट लड्डू, दे आर रियली 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 गुड फॉर योर हेल्थ। दे मेक्स योर बोन्स स्ट्रॉन्गर, ब्लड शुगर भी आपका मेंटेन रखता है, वेट लॉस के लिए आपको बहुत अच्छा है, आपका वेट मेंटेन रहता है। दे आर रिच इन प्रोटीन फाइबर, हैव एडेड नो शुगर इन दैट, ओनली जो स्वीट नेचुरल स्वीट इंग्रेडिएंट्स आते हैं उनसे उनको एक मैंने स्वीटनेस दिया है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। एंड आई फील कि अगर ये लड्डू मैं बना सकती हूँ तो आप भी इसको बना सकते हो। बहुत बहुत ईजी है। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज़ किए हुए हैं उनका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस पूरे वीडियो को लेकर या रेसिपी को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डेफिनेटली एक बार ये लड्डू बनाकर देखना, दे आर सुपर यामी, लाइक सुपर 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 यामी। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो डेफिनेटली ये लड्डू बनाकर रखें। वीडियो को एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। यस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं पैन में एक स्पून घी ले लूँगी। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको मैं थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट कर लेने वाली हूँ। सो घी लेने के बाद में मैंने यहाँ लिया है 1 कप ऑफ ग्रेटेड कोकोनट, तो इसको सबसे पहले मैं थोड़ा रोस्ट कर लूँगी घी में। और आपको इसको थोड़ा कंटिन्यू हिलाते रहना है क्योंकि ये जल्दी पक जाता है, मतलब जले नहीं जल्दी, इसलिए आपको इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है। और जैसे ही एक अच्छा फ्रेग्रेंस इसमें से आने लगे तो तब आप इसको निकाल लो। आपको चलाते रहना है इसको कंटिन्यू इसी तरह से। मैंने यहाँ लिया है एंटीऑक्सीडेंट मिक्स, इसमें सारे सीड्स हैं। कौन से सीड्स इसमें इंक्लूड है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँगी। मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर कैसे वाले हैं। तो कोकोनट शायद हमारा थोड़ा पकड़ रहा है नीचे, तो ठीक है। सी गाइस, ऐसे सीड्स हैं ये, मैंने थोड़ा 1 कप से थोड़ा कम लिया है, सेम बॉल था तो उससे थोड़ा सा कम लिया है, फुल नहीं लिया है। तो इसे भी हम ऐसे ही रोस्ट करने वाले हैं सीड्स को। आप कोकोनट देख सकते हो, हल्का सा एक ब्राउन कलर इसमें आ गया है, तो इसको थोड़ा चलाओ, मिक्स करो अच्छे से। और इसको मैं अभी निकाल लूँगी। अभी सेम पैन में जो मेरे सीड्स थे, तो गैस मैंने फिर से ऑन कर लिया है, और जो मेरे सीड्स मैंने लिए हुए हैं उसको मैं अभी रोस्ट करने वाली हूँ। तो मैंने सीड्स को ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में, और इस तरह से थोड़ा ऐसा पाउडर फॉर्म में, ज़्यादा एकदम पाउडर नहीं बनाना है, बस एक दो बार थोड़ा ग्राइंड कर लेना है। और आपको इसको ऐसे ही रोस्ट करना है कंटिन्यू, आपको इसको भी चलाते रहना है। इसमें से भी आपको एक अच्छा फ्रेग्रेंस आने लगेगा, एक जब ऐसी सीड्स की जो खुशबू आने लग जाएगी ना, एक हल्का सा ब्राउन कलर आएगा, तब आपको इसे भी निकाल लेना है। अगेन मैंने एक फुल कप बादाम लिए हुए हैं विच इज़ आलमंड, तो इसे भी मैं रोस्ट करने वाली हूँ और इसे भी मैं ग्राइंडर में निकाल लूँगी। सबसे पहले पैन में लेंगे 2 टेबल स्पून घी और आई गेस मैंने 500 ग्राम्स लिए हुए हैं बादाम। इसको मैंने ग्रेट करके डाल दिया है, आप देख सकते हो पाउडर नहीं बनाया है, दिख रहा है बिल्कुल। तो इसको भी अच्छे से घी में आपको रोस्ट करना है। सेम बॉल इसमें भी मैंने काजू ले लिया है, कैश्यू नट्स को भी हम लेंगे, और इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी और फिर इसी के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये मैंने कैश्यू नट्स ले लिया है, इसको भी ग्रेट करके इन दोनों को अभी अच्छे से मिलाना है और रोस्ट करना है।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी तो इसको कंटिन्यू चलाते रहो ताकि ये जले नहीं और थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तो आपको इसे भी निकाल लेना है। सी बहुत अच्छा दिख रहा है दिखने में भी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सेम पैन में मैंने ले लिया है थोड़ा किशमिश, ज़्यादा नहीं लिया है, बिल्कुल आप देख सकते हो बहुत कम क्वांटिटी, आई गेस छोटा जो स्पून होता है वह 3 स्पून मैंने लिया हुआ है। ऊपर से थोड़ा सा घी डाला और इसको भी मैं चलाऊंगी, अच्छे से इसको भी रोस्ट कर लेना है। देखो इसका कलर चेंज हो गया है अगर आप देख सकते हो तो, एंड ये इतना इनफ है, मैंने निकाल दिया। मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम डेट्स यानी कि खजूर, इसको मैंने सॉफ्ट खजूर लिया था और उसको मैंने ग्राइंडर में से निकाल के मैं इसे भी रोस्ट कर रही हूँ। गाइस इसको बहुत आराम से करना क्योंकि ये बहुत गर्म रहता है और बहुत हैवी हो जाता है, तो इसको आराम आराम से चलाओ। आप देख सकते हो बहुत स्टिकी है, इसको आपको ऐसे रोस्ट कर लेना है अच्छे से। नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करना है इन सब चीज़ों के लिए कि ये चिपके नहीं। और ये पूरा जो मिक्सचर जितना भी मैंने ग्राइंड किया है वो मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, और जैसे ही खजूर ठंडा होगा उसके बाद ही आपको ऐसे हाथों से करना है। सबसे पहले मैंने स्पून से इसको मिक्स किया था, मैंने इसको शिफ्ट कर लिया दूसरे बॉल में क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा था प्लेट में। तो आप देख सकते हो इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से एकदम, और जैसे ही इसमें थोड़ा सा एक बाइंड आना स्टार्ट हो जाए तो ये रेडी है आपके लड्डू बनाने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शायद रेडी हो गया है। सी बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो ये रेडी अभी लड्डू बनाने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने हाथों में थोड़ा सा घी लगा लिया है दोनों हाथों में अपने अच्छे से, और अभी मैं धीरे धीरे इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आपको ऐसे हल्के हाथों से, देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा है मेरे हाथों पर कोई भी इंग्रेडिएंट, सब एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है और बहुत अच्छे से इसको सेम साइज़ में छोटे छोटे लड्डू बनाओ, ज़्यादा बड़े मत बनाना, बाकी साइज़ कैसे रखना है वो आपके ऊपर है। मैंने बहुत छोटा छोटा साइज़ रखा है, मीडियम साइज़। 2 लड्डू खाकर ही आपको एकदम फुल फील होगा ना, जैसे धीरे धीरे करके मैं सारे लड्डू बना ले रही हूँ। टाडा, हमारे स्पेशल डेट्स ड्राई फ्रूट लड्डू रेडी है खाने के लिए। गाइज इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना, बनाकर देखो। इसको आप एक प्लास्टिक कंटेनर में भर के रख दो, ये 1 महीना बहुत अच्छे से चलेगा। सो ऐसी हेल्दी चीज़ें खाओ और मुझे याद करो। सो येस, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू ऑल लाइक द वीडियो। अगर आपको जेन्युइनली वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना, आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के। एंड या विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।